लड्डू चार कचौड़ी छह। बैठ बैठ जाओ, ब्रज में ये बोलते हैं। बैठ 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 जाओ। मिश्रा जी आ रहे हैं। अरे हाँ ठीक ठीक है, मिश्रा जी कहाँ है? मिश्रा जी जल्दी जल्दी चले आओ। हरे कृष्ण। हाँ बोलो ओम ज्ञान तिमिराम दस्य सर कर बैठो। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सबका हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम घुमा उसको राम राम और गर जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोले श्री गुरुदेव की। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को जथाजु का प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ देखो तुम बैठ जाओ। देखो आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन है। क्या है? बहुत बढ़िया दिन है। हम सबसे बढ़िया दिन किसको मानते हैं? अगर हमारी लटरी कोई लग जाए है ना, तभी हम बढ़िया मानते हैं ना। आज हमारा बढ़िया दिन है, हमारी लटरी। पानी किसको मत दो, चुप जाओ बैठो। तू बैठो, कथा सुन। बैठ कहाँ रहे, चुप जाओ, पानी मत दे। अभी कथा सुनो, कथा को बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। बैठ जाओ, धीरे धीरे रखो, अभी गिर गया था सब। चलो बैठ जाओ, कथा को बीच में इधर उधर एकदम टस संभा से नहीं होना। ए तू भी बैठ जा, बैठ वहीं पर। इसलिए कहते कहते जब हमारे कोई लटरी लग जाए ना, तब हम क्या कहते हैं, आज हमारे बहुत बढ़िया दिन है। सचमुच से हमारी आज बहुत बड़ा लटरी लगी है, क्योंकि दुनिया की पैसा अगर आए तो, लेकिन एक दिन तो खत्म होगा ही, नहीं तो छोड़ करके जाएंगे। लेकिन आज हमें ऐसे एक पैसा मिल रहा है जिसको मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक। तुम भी बैठ जा, बैठो। वस्तु अमोलक दीम रे सतगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो जो असली धन हमारी है वो भगवान का नाम रूप धन है, क्योंकि अंतिम समय में वही धन ही काम में आएगा। यहाँ के कोई धन भी हमारे काम में आने वाले नहीं है। नहीं, आग बंद करते ही यहाँ सारे संबंधी परिवार सबके सब यही खत्म। एक सुई धागा भी हमारे साथ में यहाँ से नहीं जाएगा। और अंतिम समय में क्या बोलते बोलते जाएंगे, बोले राम नाम सत्य है, ये बोलेंगे ना, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते, जो ऊपर लेटा हुआ है। बोले तू जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया है, केवल वही सच्चा है, इसके सिवाय जगत में सबके सब झूठा है, हैं? इसलिए सचमुच से आज हमारे बहुत बड़े लटेरी लगी है। आज घर में साधु संत आए हैं, घर में हरि कीर्तन, घर में हरि नाम हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और जगत में कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अति हरि कृपा, शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं, बोले पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई पाप तेही असंगत सोई। बोले पार्वती जीवन में साधु संग कब मिलता है, बोले बाबा स्वयं कहते हैं रामचरित मानस में, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, बोले जिसको ऊपर में हरि की विशेष कृपा होगी, बोले पाप तेही असंगत सोई, तभी जीवन में पार्वती ये सत्संग और जीवन में हरि की कथा
तभी जीवन में मिलता है, नहीं तो हरि कथा जीवन में नहीं मिलती है, है? नहीं मिलती। आगे बैठो, आगे बैठो, हाँ वहां बैठ जाओ। इसलिए तभी जीवन में मिलता है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बरा। हे पार्वती, ये जगत में सब चीज आसानी से मिलती है, लेकिन पार्वती ये जो सत्संग है, जो हरि की कथा है पार्वती, ये सहज में ये चीज नहीं मिलती है। कौन कह रहे हैं? शंकर। अरे बोलो कौन कह रहे हैं? शंकर जी। सत्यम शिवम सुंदरम कह रहे हैं किसको? पार्वती जी। पार्वती को कह रहे हैं। इसलिए कभी पार्वती मैया शंकर जी से पूछे, बोले भोले बाबा, आप तो रोज रोज ध्यान लगाकर बैठते हो, आपका जीवन में कोई अनुभूति है कि नहीं? जीवन में कुछ अनुभूति होगी नहीं? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले सुनो उमा बताओ अनुभव अपना, सत हरि भक्ति जगत सब सपना। कहते हे पार्वती, जीवन में सत हरि भक्ति, जगत में अगर कोई चीज सत्य है पार्वती, हरि की भक्ति ही जगत में सच्चे सत्य है, और जगत सब सपना। सपना मतलब झूठा है। बोले सुनो उमा बताओ अनुभव अपना, है अनुभव अपना है। इसलिए शंकर जी स्वयं कहते हैं अनुभव क्या है जगत में? सुनो उमा वो जीव अभागी, हरि भजन छाड़ी है विषण रागी। समझ रहे हो? ये कौन कह रहे हैं? शंकर जी। किसको कह रहे हैं? पार्वती जी। ये चीज को समझो, गांठ बांध कर रखो, इतना चीज गांठ बांध कर रखो। शंकर जो पार्वती को सुनाते हैं, हैं? इसलिए कहते पार्वती सुनो उमा वो जीव अभागी, जगत में अभागी कौन है? बोले जो हरि की भक्ति को छोड़ करके विषय में जिनके अनुराग है पार्वती, जगत में वो जगत में सबसे बड़े अभागी। समझ रहे हो? इसलिए किसका नाम करनी चाहिए? हरि के नाम जप करनी चाहिए, हैं? जैसे घर में माता जी कब खुश होती हैं? देखो एक दिन माता जी शंकर जी से पूछे, क्या प्रश्न किए? बोले माता जी ये बताओ, शंकर जी को बोले प्रभु ये बताओ, जगत में हमें किसकी नाम लेनी चाहिए? इस पार्वती पूछ रही है किसके नाम लेनी चाहिए। देखो शंकर जी कहते हैं, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरानन। पार्वती बड़ी सुंदरी है, बोले हे सुंदरी पार्वती, विष्णु सहस्र नाम, 1000 विष्णु नाम लेने पर जो फल मिलता है, एक बार श्री राम का नाम से वही फल मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सहसना मासुनी प्रिय वाणी जपी जई प्रिय संग भवानी। इसलिए पार्वती को शंकर इतना प्रेम क्यों करते हैं? किसलिए करते इतना प्रेम? बोले कारण है, तेना 8 हाथ में 1 हाथ में माला है, 1 हाथ में माला माता जी की, वो प्रभु की माता माला जप करती हैं, हैं? इसलिए पार्वती का एक नाम वैष्णवी है। हाँ देखो, अब वैष्णवी देवी का नाम सुनियो, इनका नाम वैष्णव नाम क्यों पड़ा? सुन लो ध्यान दे करके। बोले एक समय एक बहुत बड़े संत था, उनको दर्शन के लिए गए, माता जी को दर्शन करेंगे। रात हो गया था, पास में धर्मशाला था, रुक गए कल सवेरे माता जी के दर्शन करेंगे। लेकिन पहले वहां बलि चढ़ते थे, जैसे भैंस बकरा वहां बलि चढ़ते थे पहले। लेकिन सवेरे होते ही जब बलि चढ़ना शुरू किया, इतने में बकरा बकरियों का मैं भे शब्द आने लग गया। इतने में वो संत ने कहा, भैया ये आवाज कहाँ से आ रही, लग रहा है कोई किसको कष्ट दे रहे। तब उनको लोगों ने कहा, यहाँ पर माता जी को बलि चढ़ती है। क्या चलती है? बलि चढ़ती है। जब उन्होंने इतना सुने ना, और संत इतने बिगड़ गए, बोले ये माता नहीं, ये चंडी है, ये चंडी है, हम इनको दर्शन नहीं करेंगे। माँ मतलब क्या? खाली इंसान क्या क्या माँ है? वो सभी की माँ है। क्या बकरी उनकी माँ नहीं, भैंस उनकी माँ नहीं? ये चंडी है, इन चंडी को हम दर्शन नहीं करेंगे, हम तो माँ को दर्शन करेंगे। भागो यहाँ से, उठाओ बिस्तरा, उठाओ, संतों को बोले जो जितने वर्ष, उठाओ यहाँ से बिस्तरा, हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। जब इतना बोले, इतने में माता जी जो पुजारी था ना, उसको स्वप्न दे, बोले उठो यहाँ जल्दी उठ। वो संत नाराज होकर के जा रहे हैं, वो संत नाराज होकर जा रहे हैं, उनको लेकर के आओ, आज से यहाँ पर बलि नहीं चढ़ेगी, अगर यहाँ पर कोई बलि चढ़ेगा तो उसका वंश समेत ध्वंस कर दूंगी। वो संत को बोलो
तुलसी माला लेकर के लाए और मेरे गले में पहना दी। आज से मैं वैष्णवी बन गई। क्या बन गई? वैष्णवी बन गई। आज से यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़नी चाहिए। अगर आप जाकर देखोगे ना वैष्णवी देवी को, उसकी गला में तुलसी की कंठी है, माँ स्वयं गले में तुलसी की कंठी धारण करती है। इतने महिमा तुलसी कंठी की, तभी माता जी का नाम हो गई वैष्णवी देवी। ठीक है ना? इसलिए तुम लोग भी गले में कंठी पहनो। कंठी साधारण वस्तु नहीं, इसको लकड़ी मत समझा करो। ये मैं नहीं कह रहा, हम जम महाराज स्वयं कहते, भागवत पढ़कर देखो। जब जमदूत ने कहे, बोले किसको किसको पकड़ करके ले आए नरक में, ये जम स्वयं कहते हैं। बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठी का हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। जम स्वयं कह रहे, बोले उन्होंने व्यक्ति को पकड़ करके लाना जिनके गले में तुलसी की कंठी नहीं हो, जो तिलक धारण नहीं करते हैं, जो तिलक धारण नहीं करते गले में, जिनकी तुलसी। जम स्वयं कह रहे हैं, जैसे ठाकुर को हम भोग लगाते हैं। देखना सारा दुनिया जो कुछ भोग लगा लगाओ, लेकिन अगर उसमें तुलसी बता नहीं दिया ना, ठाकुर कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। कहते छापान न भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक ना ही मानी। ठाकुर जी बगैर तुलसी के कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। उसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं, जो शरीर है पंच रचित ये अधम शरीरा, ये शरीर में कलो टाटी पेशाब खून और कुछ है ही नहीं। ब्यूटी पार्लर में जाओ, अच्छे तरह सज करके आओ, 10 मिनट बाहर धूप में चले आओ, रोम रोम से बदबू, नाश के मुंह बदबू, आंखों से बदबू, सवेरे देखो बदबू बदबू निकलती शरीर से, क्योंकि अधम शरीर है ये है। लेकिन जब गले में तुलसी कंठी धारण कर लिया, ये शरीर भगवान को अर्पित हो गया, ठाकुर जी को अर्पित हो गया। अगर गले में एक भी कोई तुलसी के दाना रहेगा ना, कभी आप जमपुरी नहीं जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, जम स्वयं कह रहे हैं। अगर गले में कंठी नहीं ना, फिर तो गले पकड़कर रस्सी बांध करके फिर तुमको बैठे नदी पार कराएगा, मार मार कर जमपुरी ले जाएंगे। भागवत पढ़ करके दो पंचम स्कंद में जम स्वयं कह रहे हैं। लेकिन हम कुछ लोगों का बात सुनकर पंडित पंडितों को हम गला से कंठी बंटी सब उतार देते हैं। इसलिए इसलिए भैया शास्त्र की बात सुना करो। हम माता जी की पूजा कर रहे हैं। माता जब स्वयं गले में कंठी धारण करती है, माता जी को शर्म नहीं लगता कि हमें शर्म लगेगी? नहीं लगनी चाहिए। ये जम स्वयं कहते हैं, गले में कंठी होनी चाहिए और तिलक धारण करनी चाहिए। ठीक है ना? जो तिलक है, देखो ये ऊर्ध्वपुंड है। ऊर्ध्वपुंड मतलब क्या? ये ब्रह्मा है, बीच में विष्णु, ये महेश, ब्रह्मा विष्णु ये महेश है। और ये जो दो है, अभी बात मत करो, ये जो दो है ठाकुर का, दो चरण है उसका, नीचे देखो, जैसे ठाकुर के चरण में तुलसी बता दिया है ना, ये ठाकुर का दो चरण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका चरण में जैसे तुलसी दल दिया हुआ है। अब भगवान कृष्ण को देखो तिलक लगाए, भगवान राम को देखो तिलक लगाए, नारायण को देखो आधा मुंह तो ठाकुर के तिलक में ही, हनुमान जी को देख लो कहीं तिलक लगाए, शंकर जी को देख लो तिलक लगाए, ये सबके सब तिलक धारण करते हैं। गणेश जी को देख लो कहीं फटा होगा, तिलक है। जैसे हम लोगों, जैसे हम हिंदू है, देखना घर में जो ब्राह्मण आएगा जब तक तिलक नहीं लगेगा पूजा ही नहीं करेगा, क्योंकि तिलक के बगैर सारी पूजा तुम्हारी निष्फल हो गई। जैसे कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए, तिलक लगा कर भेजते हैं, बाप बेटा जा विजय, तेरा विजय प्राप्त हो, जो काम के लिए जा रहे हो तुमको विजय प्राप्त हो। और हम लोग जो तिलक लगाते हैं, ये जो ये गोपियों की चरण धूलि है, ये मिट्टी कहीं नहीं मिलती है, ये द्वारका से आता है। क्योंकि जब भगवान के बुखार सर दर्द हुई, नारद जी ब्रज से ये धूल को सर पर लेकर गए, और अभी वहां पर गोपी तालाब है, वहां पर ठाकुर जी को स्नान कराया गया, ठाकुर जी को वहीं से ये तिलक आते थे ना, कृष्ण राम नारायण जो तिलक लगाए ना, यही तिलक है। ठाकुर जी से तिलक लगाते क्यों? ये राधा रानी की ब्रजवासियों का चरण धूलि। ठीक है ना? हाँ, एक स्टोरी सुन लो, ये पद्म पुराण की स्टोरी है, अच्छे तरह सुन लो। बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। जो पत्नी थी बड़ी पतिव्रता नारी है, बड़ी पतिव्रता नारी, पति जब बाहर से आई चरण धोए, चरणामृत लेती है, पति को पास में बैठा करके भोजन कराती, पास में हवा का पंखा झुलाती है, बड़े जैसे हमारे भारत में पतिव्रता जैसे नारी होते हैं, बड़ी पतिव्रता नारी थी। एक समय उसको पति कहीं बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ नारद जी आए। जब नारद जी आए
और नारद को देखकर बड़े खुश हो गए, घर में संत आए। क्यों? घर में जब संत का चरण धूलि पड़ता घर पवित्र हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है। घर बड़े नारद जी को चरण धोए, चरणामृत लिया और नारद जी को भोजन बना करके नारद जी को उन्होंने भोजन खिलाया। जब भोजन खिलाए इतने में नारद जी जब वो माता जी को देखा है ना, देखा यहाँ तिलक नहीं है, गले में तुलसी की कंठी नहीं, मतलब है भगवान की उसने दीक्षा मंत्र कृष्ण मंत्र में दीक्षा उसने नहीं लिया है, हैं? जब देखा कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं, शंकर जी पार्वती को कहते हैं, वो पार्वती को शंकर जी कहते बोले पार्वती जो व्यक्ति दीक्षा मंत्र ग्रहण नहीं करते हैं अधिक शिक्षित बामरु कृतम सर्वम निरर्थकम, कहते हैं पार्वती जो कृष्ण मंत्र में जो दीक्षा ग्रहण नहीं किया उसको सारे क्रिया उसको निष्फल है। शंकर स्वयं कहते बामरु पार्वती हैं अधिक दीक्षित जो दीक्षा ग्रहण नहीं किया उसको सारे कर्म निरर्थकम, बोले पशु जोनिम अपनुवाद। अगर कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लिया, शंकर जी कहते पार्वती अगली जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ता है, हैं? जानवर जीवन में जाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने देखा उसकी लड़न में तिलक नहीं, गले में तुलसी की कंठी नहीं, बोले तो कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लिया, उसका हाथ का खाना मेरा तो धर्म कर्म सब नष्ट हो गया। इसलिए हमारे वैष्णव का धर्म होता है जब तक तो गले में कोई कंठी तुलसी तिलक नहीं लगाते ना उसका हाथ का भोजन नहीं करनी चाहिए, नियम है। कल इसको हाथ में हमने भोजन कैसे कर लिया, उसको सामने उन्होंने उल्टी कर दिया, जो कुछ खाया था ना उल्टी कर दिया। अगर घर में कोई साधु संत आए उनको हमने भोजन करवाया, अगर वो उल्टी कर दे दुख कष्ट लगेगा कि नहीं? वो तो बड़ी दुखी हो गई, बोले इतना कष्ट करके संतों को भोजन कराया उन्होंने उल्टी कर दिया, क्यों? गले में कंठी तिलक है नहीं। बोले बाबा मेरे को दीक्षा मंत्र दो। हाँ मेरे को दीक्षा मंत्र दो। नारद बोले तुम नहा करके आओ। जब नहा करके आए तब उनके गले में तुलसी कंठी और तिलक उन्हें धारण करवाया। बोले गुरुदेव कुछ उपदेश है? बोले देख बेटी एक काम करियो, जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण नहीं किया उनसे थोड़ी सी दूर रहना है, उनके थोड़ी सी दूर रहना, अगर तुमको कोई जरूरत पड़े ना मेरे को याद करना, मैं फिर आ जाऊंगा। इतना बोल करके नारद जी चले गए। जब चले गए थोड़ी देर बाद में घर में पति देव आए, लेकिन वो बड़ी पतिव्रता नारी थी, प्यार धो करके चरणामृत लेती थी, पति को पास में बैठ करके सेवा करती थी। लेकिन जब पति देव आया ना, अभी पति को पास में फटकती नहीं, जो पानी चरण धोती थी वो दूर से फेंक करके पानी दे रही, पास में नहीं। क्यों? गुरु जी बोले जो दीक्षा नहीं लिया उनको दूर से रहना, फेंक करके वो पानी देती है, और जो जो उसको खाना जब थाली देती है ना वो खिसका करके दूर से देती है, और वो कहती आज से मैं पास में तो सो नहीं सकते, दूर से सोना, क्योंकि गुरु जी बोले जो दीक्षा मंत्र नहीं लिया उनसे दूर रहनी चाहिए। शंकर स्वयं कहते हैं अधिक शिक्तस्य बामरु कृतम सर्वम निरर्थकम, बोले हे पार्वती जो कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लिया उसको सारे करा धारा सबके सब निष्फल हो जाता है, हैं? इसलिए आप मैं आपको पास में नहीं पटकूंगी। बोले भैया मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता नारी थी, ये नारद जी आकर क्या उनको पट्टी बढ़ाए, ये तो दूर हो गई मेरे से। बोले तेरे गुरु जी कौन है? बोले नारद जी। बोले थोड़ा उनको बुला सकता हो? बोले हाँ गुरु जी। बोले जब याद करके आ जाऊंगा। तो उनने नारद जी को बोला, बोले गुरु जी थोड़ी सी कृपा करके दर्शन दो। जो बोलते ही ना नारद झट वहां प्रकट हो गए, कहते ना चमत्कार को नमस्कार। जब उन्होंने देखा गुरु जी झट प्रकट हो गए, बोले भैया कुछ दम है, याद करती गुरु झट प्रकट होगी किसे, कुछ दम है। तब उन्होंने बोले गुरुदेव हमें दीक्षा मंत्र दो, मेरी पत्नी मेरे से दूर हो गई, दीक्षा मंत्र दो, दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करेंगे। बोले जा बेटा गंगा में नहा करके। जब नहाने के लिए गई उनको कुछ दोस्त लोग थे, बोले तू तो थोड़ी देर पहले नहा कर गया था फिर क्यों नहाने के लिए आ रहे हो? बोले गुरुजी बोले दीक्षा मंत्र लो, नहीं तो पत्नी मेरे को दूर से पानी फेंक करके देती है, थाला सरका करके देती है, कहते मेरे साथ में तो सो नहीं सकते हो, इसलिए दीक्षा लेने से फिर दोनों पति पत्नी भजन करेंगे। अब देखना जगत में बिगड़ने वाले बहुत लोग हैं, सुधारने वाले लोगों को बहुत कम देखोगे। जैसे ये बिल्डिंग बनाया कितने साल में बनाया, 2 साल लग गया होगा, 3 साल तोड़ने के लिए, बोल्डर लाओ 1 घंटा में सब तोड़ फोड़ देगा। एक भक्ति जीवन को बनाने के लिए बड़ा कठिन है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए असत संग में जाओ 1 दिन में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन मन को बनाने के लिए बड़ा कठिन होता है, एक भक्ति के जीवन को बड़ा कठिन होता है, लेकिन बिगाड़ने के लिए कोई समय नहीं लगता।
उन लोगों ने देखा भाई अगर ये गुरु जी से मंत्र लेगा ये हमारे साथ भी उठता बैठता खाते पीते आनंद नहीं आएगा। बोले अभी क्या दीक्षा मंत्र लोगे, अभी क्या दीक्षा मंत्र लोगे, अभी चल रहा है क्या पितृ पितृ पक्ष चल रहा है, इस समय दीक्षा मंत्र ले बाद में ले लेना, अभी क्यों ले रहो, चाहे गुरु जी को बोल तुम्हें बाद में लूंगा। उनका बुद्धि तो बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया तो वो आए बोले गुरुदेव अभी नहीं बाद में लूंगा, है कहते ना आज कर सो कल कर सो आज करो और आज कर सो अब पल में प्रलय होगी बहुरी रही कब बहुरी करेगी कब, अभी दीक्षा मंत्र नहीं लिया कुछ दिन बाद में तुमको मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो जो भगवान की भक्ति करते हैं गले में कंठी तिलक धारण करते भजन करते हैं, इसलिए मीरा कहती है ना बोले दीन दीन बड़ा सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए भक्ति कभी घटती नहीं भक्ति बढ़ करके प्रकट होती है। इसलिए जो उनका जो पत्नी ब्राह्मणी थी ना वो विदर्भ देश में राजा की बेटी बनकर जन्म हुई, इतने सुंदरी थी विश्व सुंदरी थी दुनिया उसको पाने के लिए ललच थे इतने सुंदरी, लेकिन पति ने दीक्षा मंत्र नहीं लिया उस राज्य में हाथ ही जीवन में गया। ये शंकर स्वयं कहते हैं पशु जनी मबाप नोती, दीक्षा जो ग्रहण नहीं करते पशु जनी में जाते। अभी उसने किसी राज्य में हाथी बनकर जन्म लिया, जब हाथी बनकर जन्म लिया अभी राजकुमारी देश में स्वयंवर सभा होती है, अब इसको स्वयंवर सभा हुई, बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए क्योंकि बड़े देखने में सुंदर थी। अब जब आए इतने में वो बरमाला लेकर के देख रहे हैं किसको गला में माला डाले, लेकिन पूर्व जन्म में भक्ति किया ना, इसलिए भक्ति करने का नाते उसकी पूर्व जन्म का संस्कार था। इतने में सामने देखा वो हाथी है राज्य में हाथी, हाथी को देख करके पहचानी गई ये तो पूर्व जन्म में मेरे पति थे, लेकिन गुरु जी से दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते ये पशु जनी को प्राप्त किया है। उसने किया कि माला लेकर के किसी राजकुमार के गला में डाला डाली नहीं, वो सीधा लेकर हाथी के गले में डाल दी। राजा लोग आश्चर्य में पड़े इतने सुंदर राजकुमारी इतने राजा लोग आए हुए ये माला लेकर हाथी के गला में डाले। इतने में पिताजी ने पूछा बेटी तुमने क्या की ये हाथी के गले में क्यों डाली, बोले गुरुदेव ये पूर्व जन्म में मेरे पति थे नारद जी कृपा करके आए, मैंने नारद जी से दीक्षा मंत्र लिया था इसलिए इसी जीवन में राजकुमारी बन करके आया हूँ और बचपन से भक्ति करती हूँ, लेकिन ये असत संग से पढ़ करके दीक्षा मंत्र नहीं लिया इसलिए ये हाथी बन करके आया है। मतलब बेटी अभी क्या होगा, वो तो हाथी जन्म तुम तो उसको शादी कर ही नहीं सकते हो हाथी को। बोले मेरे गुरु जी ये बताए थे जब जरूरत मेरे को बुलाना मैं आ जाऊंगा, बोले बुलाओ गुरु जी को। तब उन्होंने गुरु जी को याद किया नारद बाबा कृपा करके आओ मेरे पति को उद्धार कर, इतने में नारद जी झंडा आ गए। राजा तो देख करके वो भी आश्चर्य में पड़ गए, बोले भैया कैसे गुरु जी याद करते ही आ गए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य चकित लगा, बोले बेटी क्या बात है, बोले गुरुदेव ये तो असत संग से पढ़ करके दीक्षा मंत्र नहीं लिया इसलिए ये पशु जनी में आया है, अभी इसको ऊपर कृपा करो माला मैंने इसकी गला में डाल दी, पूर्व जन्म का ही पति थे, बोले गुरुदेव इसको ऊपर कृपा करो। इतने में नारद जी उसका सर पर हाथ रखते ही बड़े सुंदर राजकुमार बन गया। थाली बजाओ सबके सब, नारद जी कृपा से उन्होंने बड़े सुंदर राजकुमार बन गया, क्योंकि संतों का आशीर्वाद हुई ना, संतों के आशीर्वाद है वो भलेगा भूलेगा ही, इसलिए बड़े सुंदर राजकुमार हुआ। फिर तो दोनों को साथ में शादी हुई और झट राजकुमार बन करके ना एकदम नारद जी के चरण में गिर पड़ी, बोले गुरुदेव और देर नहीं आज मेरे को दीक्षा मंत्र दो, क्योंकि मैंने दीक्षा मंत्र नहीं लेने का नाते हाथी जन्म में आया, अभी देर नहीं अभी मेरे को दीक्षा मंत्र दो, हम दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करेंगे। फिर दोनों भजन किया, फिर उन्हें भगवान की धाम में चली गई है। इसलिए भगवत मंत्र में जब हम दीक्षा मंत्र नहीं लेते हैं तब तक जीव का कल्याण नहीं। इसलिए भारत में मरते समय क्या बोलते हैं, यही तो बोलेंगे राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है, शंकर पार्वती को तो यही कह रहे हैं सुनो उमा बताओ अनुभव अपना सत्य हरि भक्ति जगत सब सपना, शंकर पार्वती को स्वयं ये बात कहते हैं सुनो उमा वो जीव अभागी हरि भजन छाड़ी हो विसरागी, ये शंकर पार्वती को ये बात सुना रहे हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें भगवत मंत्र को ग्रहण करनी चाहिए, गले में कंठी और तिलक हमें जरूर लगानी चाहिए, ठीक है ना। देखो इस गले में जो तुलसी कंठी की कितने प्रभाव देखो,
अभी कोरोना आया था ना, आप बता सकते हो कोरोना की मेडिसिन सबसे पहले किसने निकाला? राधा बाबा रामदेव बाबा निकाले। कोरोना ने निकालना था सबसे पहले, आप उसको पढ़ करके देखना, 80% उसमें तुलसी है, 80% उसमें तुलसी है। जब यहाँ पर संपूर्ण कोरोना फैला, एक जगह पर कोरोना नहीं गया। आपको पता है कहाँ पर? ये हिमाचल में एक गांव पर कोई कोरोना नहीं गया। मीडिया लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये तो बड़े आराम से घूम रहे हैं, यहाँ तो कोई कोरोना नहीं। सब मीडिया वहां पर पहुंचे, जब पहुंचे भैया यहाँ कोरोना क्यों नहीं आया, देखा हर घर में 20-25-30 करके तुलसी पौधा, चारों तरफ में वो गांव में तुलसी पौधा लगा हुआ था, इसलिए वहां पर कोरोना की कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब दुकान से एक मेडिसिन ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर, ढूंढ नकल ढूंढ लेना, देखना उसमें के पेपर, उसको पढ़ करके देखिएगा, कहते 200 बीमारी की प्रतिषेध का मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, ऐसे कोई कैंसर तक भी रामदेव देखना बिकता है पाता जल में तुलसी जूस। अगर गले में कंठी है ना, जैसे हम स्नान करते हैं ना, इसका पानी सारा शरीर में गया है, जाने पर क्या होगा, बहुत सारी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप बहुत सारी बीमारी। और गले में कंठी मतलब है भगवान के चरण में आज हम समर्पित हो गए, आज हमारे नहीं रह गए, आज हम ठाकुर जी के बन गए। और जो कुछ बोली बोलेंगे वो पवित्र होकर निकलेगा, जो अंदर में जाएगा पवित्र होकर जाएगा। अगर गले में कंठी होगा तो कभी जमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा, वो समझ जाएगा ये कौन है, ये भगवान की भक्त है, ठाकुर जी की ये भक्त है, आपको प्रणाम करेगा वो। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत स्वयं षष्ठ कंध में पढ़ करके आप स्वयं देखो, ये जम जम दूतों की ये बात को कह रहे हैं, जम दूतों की ये बात कह रहे हैं। इसलिए गले में जरूर तुलसी की कंठी क्या करो, दूसरों को बात मत सुना करो। पंडित ने क्या बताया, पंडितों को क्या पता है, उनको क्या पता है, संत लोगों को पता है। भागवत जो कहता है, भागवत से बड़े चीज कोई जगत में हो नहीं सकता है, हैं? भागवत से बड़ी कुछ नहीं हो सकता है। हम भागवत कथा सुनेंगे ना तथागत पंडितों कथा सुनेंगे, इसका मतलब भागवत में हमारे विश्वास नहीं है। पंडित कौन होते हैं, जो शास्त्र की बात को बोले, शास्त्र विरोध हो जो बोलते, पंडित नहीं है, मूर्ख है, मूर्ख है, पंडित है ही नहीं। पंडित उसे कहते हैं हमारी गीता जो बोलता है, रामायण जो बोलता है, भागवत जो बोलता है, वो शास्त्र सही है, समझ रहे हो। इसलिए हमें सुननी चाहिए शास्त्र की बात, हमें सुननी चाहिए, जैसे तैसे की बात हमें नहीं सुननी चाहिए, हमारे कल्याण नहीं हो सकता है, हैं? इसलिए गले में तुलसी की गड्ढी पहना करो, ठीक है ना, और तिलक लगाओ और भगवान की नाम को जप करो, ठीक है ना। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हैं? हरे मतलब क्या है, हमारे दुख कष्ट को जो हर ले। कृष्ण मतलब क्या है, आप देखना कभी कभी मन को शांति नहीं। क्री मतलब क्या, आकर्षण करना। स्ना मतलब आनंद देना। राम मतलब क्या है, जीवन में जो आराम दे, जीवन में आराम जो दे, हैं? इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र से दुख दूर जाएगा, मन को शांति मिलेगी और जीवन में आराम मिलेगी। हम जीवन तो यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते, और कोई चीज चाहते हो, और कोई चीज नहीं चाहते, यही चीज चाहते है, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कुछ खाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, लगा दे कि नहीं ठाकुर जी को भोग लगा देना। हाँ, इसलिए ठाकुर जी क्या कर रहे हो, पानी किसको दे रहे हो, कौन मांग रहा है तुमको, तुम गिलास यूज नहीं करेगा, किसने बोला पानी देने के लिए, कथा सुन, बैठ कर कथा सुन, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आ गए, बैठ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय। और ठाकुर को सब कुछ भोग लगा कर खाया करना, ठीक है ना। देखो और एक स्टोरी सुन लो, माता जी की स्टोरी सुना रहा, सब माता जी की कथा सुनाऊंगा। बोले एक समय की बात है, श्री नारद जी उन्होंने सुना है जो व्यक्ति ठाकुर को प्रसाद को स्वीकार करता है, पन्ना प्रसाद सर्व दुखा नाम, उसका जीवन का दुख कष्ट खत्म हो जाता है। जो भगवान की प्रसाद पाते हैं वो सीधा भगवान को पास में जाते हैं। तब एक दिन नारद जी ये जब बात को सुने, एक दिन नारद जी वैकुंठ में गए, बोले प्रभु जी आपका थोड़ा प्रसाद दो। भगवान बोले देखो मैं प्रसाद नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये लक्ष्मी मेरे लिए खाना बनाती है, ये लक्ष्मी मेरे को भोजन कराती है, तुम लक्ष्मी के पास में जाओ, मेरे को पता नहीं वो क्या करते नहीं करते। तो वो महालक्ष्मी के पास में गए, बोले ठाकुर का थोड़ा प्रसाद दो।
लक्ष्मी तो डांट लगा दी, बोले तू कहां से आ गया, मैं इतने कष्ट करके ठाकुर जी के लिए भोजन बनाती हूँ, ठाकुर जी पाने का बाद जो छोड़ देते हैं मैं उसको लेती हूँ, तू बीच से कहा प्रसाद बनने में भागा, जैसे भगा दिया वहां से, जब भगा दिया इतने में उन्हें नारायण के पास में फिर नारद जी आए, जब नारद जी फिर आए बोले प्रभु माता जी तो भगा दिया मेरे को, आप ही तो, बोले देखो एक काम करना पड़ेगा, कर सकते हो, बोले प्रभु बताओ, प्रसाद के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयारी, बोले देख बेटा मेरे मंदिर को पीछे एक कुआ है, तुम ये कुआ में स्नान करो, स्नान करते ही तुम्हारी ये नारद शरीर छूट जाएगी, तुम एक सुंदर एक सखी रूप धारण कर, गोपी रूप धारण कर दे, और तुम जाकर के माता लक्ष्मी से उनकी चरण की सेवा मांगना, और इतनी सेवा करना, इतने सेवा करना हद से बाहर हो, जिसको देख करके लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, जब प्रसन्न हो जाएंगे ना, लक्ष्मी अगर कुछ देना चाहती हैं, उनसे तीन बार कसम खिलाना, जो मांगूंगा मेरे को देना पड़ेगा, फिर प्रसाद मांगूंगा फिर प्रसाद मिलेगा, नहीं तो ऐसे प्रसाद में नहीं मिलेगी। नारद जी इतने कष्ट की, उन्होंने इतने सेवा की लक्ष्मी की, आप देखना जब कोई व्यक्ति ज्यादा सेवा करता है ना, देखना कुछ दाल में काला है, जैसे पत्नी जो पति की ज्यादा सेवा करती है, पति को पता क्या चलता, कुछ मांगने वाली है, ये कुछ मांगे कि नहीं, तो इतना क्यों कर रही है? इसलिए जब उन्होंने इतने सेवा कर रही थी हद से बाहर, तब उन्होंने प्रसन्न हो गई, कौन प्रसन्न हो गई, माँ लक्ष्मी, बोले तेरी जैसे दासी अभी तो किसने सेवा नहीं की, कुछ इच्छा है, बोले दे सकते है, बोले तू नहीं दूंगी, बोले पहले तीन बार कसम खा, तब माँ लक्ष्मी तीन बार कसम खाई, जब कसम खाए, कसम खाते ही बोले थोड़ी सी ठाकुर का प्रसाद मुझे दो, जब उन्हें ठाकुर का प्रसाद मांगे ना, लक्ष्मी समझ गई कुछ गड़बड़ी है, बोले तुम ये बताओ तू है कौन, सही सही बता तुम है कौन, क्योंकि प्रसाद का महिमा सब नहीं जानते, ठाकुर की नारायण की प्रसाद का महिमा सब नहीं, तुम बताओ सही कौन है। इतने में श्री नारद जी स्वयं प्रकट हुए, बोले मैं नारद हूँ, बोले तुम हजार साल पहले आया था ना प्रसाद के लिए, बोले हाँ आया था, बोले तेरे को ये मार्ग किसने बताया, बोले प्रभु ने बताया, ठाकुर ने बताया, फिर लक्ष्मी तो कसम खा चुकी थी, जब भगवान प्रसाद पाए, दाल भात सब्जी जो पाए ना, इधर सुना, जब ने ढाल प्रसाद की महिमा सुनो, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, इतना अगर दिमाग में बैठ गई ना, धन्य हो जाएगी तुम्हारी जीवन। इतने में जब भगवान ने दाल भात सब्जी प्रसाद पा लिए, माँ लक्ष्मी ने किया कि सब कुछ मिला करके जिसको माधुकरी कहते हैं, सब दाल भात उन्होंने श्री नारद जी को हाथ में दिया, नारद जब प्रसाद पाए ठाकुर जी को, इतने प्रसन्न हुए, नाचते नाचते कीर्तन करते करते कैलाश में पहुंचे, जब कैलाश में पहुंचे वहां पर शंकर जी बैठे हुए थे, बोले नारद में तो आनंद है लेकिन इतना आनंद मैंने कभी दिखा नहीं, बोले नारद जी इतना आनंद तुम्हें कैसे आ रहा है, बोले बड़े दिनों में मेरे को ठाकुर का प्रसाद मिला। शंकर जी कहते देखो प्रसाद बांट कर खाओगे तो वैकुंठ जाओगे, प्रसाद अकेले नहीं खाने चाहिए, बांट कर खाओगे तो वैकुंठ जाओगे, मेरे लिए कुछ लाएगी नहीं, बोले अरे इतना साल के बाद में थोड़ी सी मिला, बोले देखो ना हाथ में सचमुच से देखा, अभी अभी खाए थे, एक अन्न का दाना लगा हुआ था, इतने शंकर नारद तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, ये जो कैलाश डगमगाने लग गई, जब डगमगाने लग गई इतने में वहां माता पार्वती थी, इतने बोले आज ये इतने आनंद क्यों हो रहे, क्या बात है, इतने में माता पार्वती ने पूछा आज इतने आनंद क्यों हो, शंकर जी बोले हमें ठाकुर जी को प्रसाद मिला है, प्रसाद मिला, बोले मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, जो आपको मिले उसकी आधा हिस्सा मेरी है, आधा हिस्सा मेरी है, मेरे लिए कुछ रखा कि नहीं, बोले अरे एक किणिका था, बोले जो कुछ मिला आधा हिस्सा मेरी थी। इतने में पार्वती को क्रोध आया, बोले नारद जी बड़े स्वार्थी बने, प्रसाद मिला तो अकेला खा लिया, और शंकर जी को एक किणिका मिला वो भी खा लिया, मैं और कैलाश में नहीं रहूंगी, मैं ये कैलाश छोड़ करके मैं कहा जा रहे हो, कथा से ज्यादा क्या बहुत तो काम पड़ेगी तुम्हें, चुपचाप बैठे को सुनो। इसलिए तब इतने में पार्वती बोली ये दोनों स्वार्थी बने, इसलिए मैं कैलाश में नहीं रहूंगी, उन्हें कैलाश परित्याग दिया, उन्होंने जाने तो कहां पर बैठे, जगन्नाथपुरी गए हो, नहीं गए, देखना जगन्नाथ जी को पीछे माँ विमला देवी जिसकी कृपा से प्रभुपाद आए, भगवान की जो मुझे जो बाहन पीठ में वो माता जी की चरण वहां पर गिरा हुआ है,
है, चरण गिरा हुआ। वह नियम है जब जगन्नाथ को प्रसाद लगता है, क्योंकि वो इसलिए आई थी, बोले ये दोनों स्वार्थी बने। माँ क्या करती है, दुनिया को खिला करके तो माँ खाती है, अकेले नहीं खाती है, इसलिए वहां पर छोड़ करके जगन्नाथ के प्रसाद के लिए उन्होंने वहां पर आई। और वहां पर जो प्रसाद जगन्नाथ को भोग लगेगा, जो मेन जो सोने की प्लेट है ना, वो सीधा माता जी के मंदिर में आएगी। जब भगवान कृष्ण कोई वस्तु लेते हो प्रसाद है, लेकिन जब उनकी कोई भक्त वस्तु ग्रहण करे तो प्रसाद नहीं, वहां महाप्रसाद, क्योंकि भक्त पाने से ज्यादा महत्व बढ़ जाती है। इसलिए वहां पर देखना, प्रसाद कोई नहीं कहते, महाप्रसाद क्या बोलते हैं, महाप्रसाद। महाप्रसाद क्यों, माता देवी वैष्णवी, शंकर जी परमम वैष्णव है। इसलिए भुवनेश्वर जाओ ना, लिंगराज मंदिर देखोगे, ये घर जैसे इतना बड़ा शिव लिंगराज, वहां पर भी जगन्नाथ जी का प्रसाद, शंकर जी को सबसे पहले जगन्नाथ जी को, बाद में शंकर जी को भोग लगता है वहां पर। और वृंदावनपुरी पुरी में देखोगे माता देवी पाती हैं। इसलिए माँ देवी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं जब भगवान कृष्ण का प्रसाद जब उनको दिया जाए, ये सबसे ज्यादा ही प्रसन्न होती हैं माँ देवी, समझ रहे हो। इसलिए घर में क्या करना, सबसे पहले बगैर प्याज लहसुन के बनाना, ठाकुर को सबसे पहले तुलसी पत्ता में भोग लगाना। जब ठाकुर जी को भोग लगे जाएगा, वो प्रसाद फिर माता देवी को, शंकर जी को, हनुमान जी को, हैं गणेश जी को, जो 33 करोड़ देवता सबके सब, कभी पूरी अगर जाने का सौभाग्य मिलेगा ना, कभी हमारे साथ में चलना। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, चारी तरफ में 33 करोड़ देवता बैठे केवल भगवान के प्रसाद पाने के लिए। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, हमारे साथ में कभी जाना, एक बहुत पंडा इतना बड़ा जो झांझ लेकर गई, पूरा मंदिर की चारों तरफ में घूमता, बोले क्यों, बोले जो 33 करोड़ देवता जो बैठे हुए हैं उनको निमंत्रण देते हैं, जगन्नाथ जी के भोग लग गया है देवताओं, सबके सब जगन्नाथ जी के प्रसाद पाने के लिए आ जाओ। 33 करोड़ देवता वहां बैठे हुए केवल भगवान के प्रसाद पाने के लिए है। इसलिए क्या करना, सबसे पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद को शंकर जी को, माता देवी को, जैसे हनुमान जी, कभी कभी हम क्या करते हैं, लड्डू लेकर के हनुमान के मुंह में ठोसते हैं, हनुमान खा लो, क्या हनुमान जी भूखे तुम्हारे लड्डू खाएंगे, एक मण क्या 100 मण भी भोग लगाओ हनुमान को, वो तरफ में देखेंगे नहीं, बल्कि नहीं देखेंगे। जब राम दरबार लगता है, हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं, प्रभु के चरण में। जब तक भगवान राम और जानकी भजन नहीं करते हैं, जितने लड्डू खिला दो, एक हनुमान देखेंगे भी नहीं उनके तरफ में हैं। लेकिन अगर ठाकुर जी को भोग लग गया ना, गुरु जी कहते थे, फिर उनको देने का जरूरत नहीं, हनुमान जी लपक करके हनुमान जी खा लेंगे हैं। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले भगवान कृष्ण को भोग लगा, फिर वो प्रसाद को क्या करो, जितने सारे देवा देवियों को वो प्रसाद भोग लगा, ठीक है ना, फिर उसी में सारे देवा देवी उसमें संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय।